अभी तो बस शुरुआत की है, जीतने को पूरी दुनिया पड़ी है। मैं खुश हूँ जो आपकी दुआ लगी है, फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में। हेलो फ्रेंड्स, की हाल है? बढ़िया हो सब? बढ़िया ही रहना। आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए अब व्लॉग को शुरू करते हैं। एक तेरा ही दरबार सजा, बाकी सब पर। तो भाई साहब देखो, ये मैसेज आया मुझे, नंबर है 9230252270। ये देखो। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ, कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का देगा 25 लाख रुपए। अभी देखो दिखाऊंगा ना, अभी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है। उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल वॉइस कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा। ये आपको जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। ओके थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। तो अब ये आया, इसको सेव करके देखते हैं यार आगे क्या होगा। ये है तो 100% फ्रॉड है, मुझे पता, बंदा बात करेगा, मेरी डिटेल मांगेगा, बारकोड मांगेगा और मजे लेते हैं थोड़े। हेलो सर, बोलिए। हाँ जी सर जी, एक ना वो मेरे को मैसेज आया है, लॉटरी लगी है कोई मेरी, उसके अंदर आपका लॉटरी नंबर होगा सर। लॉटरी नंबर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, मैं चेक करके आपको जानकारी दे रहा हूं। ओके आप होल्ड करेंगे क्या करेंगे सर? व्हाट्सएप पे सेंड करके 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ओके इसी नंबर पे सेंड करूं मैं? इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। ओके मैं सेंड कर रहा हूँ जी। कुछ ऑडियो मैसेज आया वहाँ से, देखते हैं जी। सर, सर आपने जो मुझे मैसेज सेंड किया है ना सर, वो मैसेज आपका मैंने इनामी लिस्ट में कंप्यूटर में चेक किया है और आपका चेक पहुंचा है ऑलरेडी कंप्लीट होकर 25 लाख रुपए का। वेरी वेरी हैप्पी कंग्रेचुलेशन हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, आप और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामना बधाई हो सर। सर ये लॉटरी ना आप खेले हैं, ना आप खरीदे हैं, ना आपके नाम पे चेक खोला, ये ओपन मेरिट पे कंपटीशन किया था। 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ करवाया था। जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जो लोग मैसेंजर यूज कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, जो लोग ईमो यूज कर रहे हैं, इन कंपनियों के इन ऐप के जो मालिक होते हैं, जो इन कंपनियों के ऐप के ऑनर होते हैं, ये KBC डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में ओपन मेरिट पे कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। ठीक है, KBC डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में 10,000 से लेकर 25,000 सिम तक पब्लिक कुरंदाजी की थी, तो पब्लिक कुरंदाजी में आपका व्हाट्सएप नंबर शुमार था। आपका नंबर शालिबाग हुआ, कंप्यूटर ने आपके नंबर को उठाया है। 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए का बिग प्राइज लॉटरी आपके नंबर पे सिलेक्ट विन हो चुका है, जो आपको लॉटरी का पैसा प्रम्प्ट रिसीव कैश आउट होगा सर। लॉटरी का पैसा लेने के लिए, कैश करवाने के लिए आपको कंपनी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऑप्शन ये मिला है कि आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट नंबर चालू है, तो आप मुझे वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मेरा इस बैंक में खाता चालू है और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में सर ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर आप ऐसा कीजिए, अपना नाम, अपने बैंक का नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना आधार कार्ड, ये फौरन से मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं और आपके नाम की डिटेल्स एक्टिवेशन तैयार की जाए और आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाए। तो फिर आपने अपने बैंक जाना है, अपने बैंक जाकर आपने अपना पैसा चेक करना है और आपने चेक करने के बाद 2-4 लाख रुपए निकलवा कर हमें कमबैक कॉल लगाकर थैंक यू बोल देना कि आकाश वर्मा थैंक यू, पैसा आ चुका है और हमने पैसा रिसीव कर लिया। गरीब आदमी हो, माता पिता की दुआओं के कारण आप जीते हैं 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ ओपन मेरिट कॉम्पिटिशन के कारण बिग प्राइज के आप मालिक बन चुके हो। भगवान ने एक आपको अपनी लाइफ बदलने का, एक आपको अपनी जिंदगी संवारने का बहुत बड़ा मौका दिया है, जो आज जो आप और आपके परिवार वाले सब खुशियों का सामना करने वाले हैं। भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देगा, भगवान की कृपा हो चुकी है, माता पिता की दुआओं के कारण आपको इतना बड़ा मौका मिला है। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, भगवान ने अगर ये मौका दिया तो इसे जाया नहीं करना है ये। आपको जैसा कहा जाए उसी पे फॉलो करना है और लॉटरी का पैसा प्राप्त करना है। लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी, शोबाजी, डिंडोरा बिल्कुल नहीं पीटना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुशी के मारे लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी शोबाजी कर देते हैं तो आपकी सिम को कंप्लेन में बंद करवा दे या आपके नंबर का कोई और व्यक्ति
व्हाट्सएप चुरा ले या व्हाट्सएप अपने नंबर पे बना ले तो आपका लॉटरी का पैसा वो और व्यक्ति भी प्राप्त कैश करवा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भारत देश में दो मरतबा हो चुका है कि लॉटरी किसी और का होता है और कैश कोई और करवा लेता है। और इसके कारण के लोग खुशी में आकर बता देते हैं, इन उनको पता नहीं चलता है, उनकी सिम रिप्लेस डुप्लीकेट हो जाती है। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपकी रिक्वेस्ट है, आपने लॉटरी के बारे में पब्लिक सिटी शोबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आपका लॉटरी का पैसा आपको प्राप्त नहीं होता है तब तक लॉटरी के बारे में आपने सहधा रहना है। इज ओके सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल सेंड कीजिए, सेंड करने के बाद आप मुझे कॉल लगाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई आधार कार्ड दे रहा है अपना? दे दे, 25 लाख रूपए मिल जाएंगे। ये फ्रॉड होते हैं, वो तो होते ही है। दे दे आधार कार्ड, अमन का ले दे। हैं? दे दे, ये फ्रॉड है, 25 लाख। मतलब ये पूरा टोटली फ्रॉड है, मैं तो कुछ नहीं देने वाला, पर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग आगे से आगाह हो जाओ कि ऐसे कॉल मैसेज को कभी रिप्लाई मत करो। देखो मैं इसके मजे ये भी लूंगा, इसको एक वॉइस नोट भेजते हैं अभी। भाई ये फ्रॉड काम है ना, वहां पे करना जहाँ चलते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता। तो तुम्हारा नंबर मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ और तुम्हें अब पता लगेगा क्या है। तो प्लीज किसी गरीब आदमी को ऐसा मत लूटो कि हर बंदा अपनी मेहनत की कमाई से कमाता है, तो तुम भी कोई काम धंधा करो। किसी की माँ बाप भाई कोई बीमार है, कोई अपना पैसा कुछ कर रहा है, मेहनत की कमाई से पैसा जोड़ के रखा हुआ है, तुम ऐसे लूट ले तो अच्छी बात है ये? अब सुधर जाओ, भगवान से डरो, अब तुम ये काम धंधा बंद कर दो, पुलिस से तुम्हारी कंप्लेंट करवाऊँ मैं। देखते हैं वैसा क्या रिप्लाई आता है, रिप्लाई तो कोई आएगा नहीं तो मुझे ही पता है, पर हमने अपनी ड्यूटी कर दी। नंबर मैं आपको दिखा दूंगा, पर ऐसे नंबर पर कभी आए प्लीज अपना कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ मत भेजो, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सब टोटली फ्रॉड है। मन से डर के ही तो ये काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, ऊपर से आप बातें सुना रहे हैं। मॉर्निंग फ्रेंड, क्या हालचाल है? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया हीरो, आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस अब रेडी तो हो गया हूँ, बस जाने की तैयारी थी और निकलते निकलते देखा तो घर का पानी नहीं आ रहा, ऊपर टैंक नहीं भर रहा, तो पता लगा ये जो इंटरनल टैंक के अंदर जो प्रॉब्लम है ये वो फुल हो गई है, टूट गया पाइप जो है इसका। अब वो भैया गया है पाइप लेने, इसमें फिर पाइप लगाएगा तभी टैंकी में पानी चढ़ेगा। जा रहा हूँ, पानी आ गया, अब ठीक है, चलो। तो पानी के चक्कर में तो आज बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, अब ऑफिस पहुंचा हूँ तो बस पहुंच ही रहा हूँ, पहुंचा क्या हूँ, पापा को ऑफिस छोड़ा है, कुछ काम से आया हूँ, 5 मिनट पास में जा रहा हूँ तो फिर वापिस ऑफिस जाऊंगा। तो अभी आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है, तो मुझे कहीं बाहर जाना था पर मैं कुछ काम पड़ने के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो देखता हूँ फिर भी आसपास एक दिन का सेम डे का जो टूर बनेगा वो बनाऊंगा कि सुबह जाके शाम को कहीं से वापस आ जाऊँ आसपास से, तो देखो जो भी सीन बनेगा। और बाकी ये छुट्टी का माहौल होने से ना पूरा खाली खाली लग रहा है, मतलब कुछ काम तो है नहीं, बिल्कुल बोर ही बोर हो रहा है। तो देखते हैं अब शाम को, आज शाम को घर जाके बच्चों सुनो कि मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा, वो देख के आए, तो देखते हैं कैसी मूवी है। रिव्यूज तो ठीक ठीक ही आ रहे हैं, इतने खास भी नहीं है, तो बाकी घर जाके पता लगेगा, बच्चों को पूछता हूँ, रेडी हो गए तो रात को मूवी ले जाऊँ। भैया अभी हम प्रिंट चला रहे हैं बैठे हुए, क्यों भाई काम तो करना ही है। तेरी आँख सूजी ठीक हो गई? डॉक्टर दिखाया? और क्या? क्या हुआ था, क्या कहता डॉक्टर? दवाई का हो जाओ, हुआ क्या था, पूछा नहीं? बोले कुछ लड़ गया और क्या होगा। हाँ ये भी हो सकता है, आजकल मौसम भी ऐसे ही, मच्छर अच्छा चला गया होगा कुछ। अब ठीक है ना बिल्कुल? हाँ तो सूजी तो नहीं हुई अभी, हाँ अभी खुल रही है, परसों तो खुल भी नहीं रही थी। हाँ चल ध्यान रख। तो अमन एक्चुअली में क्यों नहीं आया? अमन के ना पापा की आज डेथ हो गई अचानक से, तो वो वहाँ गया हुआ, हम तो वहाँ हुआ है, तो संडे को भोग है, संडे को जाएंगे, संडे को अमन नहीं आएगा, अभी 2-4 दिन की बात है, बहुत बुरा हुआ ये। तो अभी जस्ट ऑफिस से निकला हूँ, 9:15 हो गए हैं, घर जाके टाइम तो मिलेगा नहीं, बच्चों को लेना है फटाफट, लेके मूवी जाना है लाल सिंह चड्ढा। आप देखते हैं मूवी कैसी होगी, बताऊंगा आपको, देख के रिव्यूज बाद में दूंगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है मूवी का, शायद सेकंड है, अच्छा एक दिन एडवांस रिलीज हुई है, आज फ्राइडे है, मतलब आज फर्स्ट डे, तो देख के बताऊंगा आपको कैसी मूवी अच्छी होगी, तो आपको जरूर बताऊंगा, जाना नहीं अच्छी हुई तो मना कर दूंगा आपको, बस आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। 10:30 का शो बुक हो गया, ठीक है, पौष बाहर घूम रहा है, अब चला गया, मानता ही नहीं मेरी बात हो, खाना रेडी है। पौशू पौश पौश, ये कहाँ भाग जाता है बाहर, पौश जल्दी आ, जल्दी आ, खाना खा जल्दी, चल 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 जल्दी खाना खा, चल चल खाना खा जल्दी, आजा 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 जल्दी, चल 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 जल्दी खाना खा, चल चलो, क्यों रो रही है ये? हाँ जी अम्मी, ठीक है तबीयत? ठीक है अभी, बढ़िया बढ़िया, लेटो, चल रहे अम्मी 10:30 बजे निकलेंगे। चलो अभी क्या टाइम हुआ? अभी 9:45 हो गए।
मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं हल्का हल्का वही खाऊंगा। चलो चलो लेट हो गए बहुत ज्यादा। लेना है कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न उपकॉर्न है मम्मी? देखो लेना है कुछ लेना। अभी थोड़ी देर में लेते हैं, ले रहे हैं अभी, ले रहे हैं अभी, ले रहे हैं। यार सीट तो काफ़ी अच्छी हो गई, भी आ गया ना लेदर सीट सब, मतलब काफ़ी तरक्की हो गई अब तो, है ना, सीट काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। हमारी दुनिया में सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं, ये सच। अब मूवी देखने आयो, खेलने आयो, खेलने आयो, अभी अंधेरा हो जाएगा, कहते खेलोगे? हाँ सब बंद हो जाएगा, वो IMAX लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? IMAX, वो नाम है यहाँ का। चलो लेट जाओ, अभी आराम से बैठ जाओ, ठीक है? वो अभी देखो, ट्राई करो पीछे के। कैसी लग रही है आपको मूवी? अच्छी लग रही है? इंटरेस्ट आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या खाना है आपको? क्या क्या खाना है? क्या क्या? पापा देखूंगा। अच्छा वहां जाके देखेगा तू? दिखाना कुछ खाना कुछ है? क्यों कैसी लग रही मूवी मम्मी? है सही लग रही है ना मूवी? तो अच्छी लग रही है अभी तक। उसको तुमने कॉफी पी नहीं है? खाना क्या है? देखो तो हॉट डॉग खाना होगा, नहीं डोंट टच। क्या खाना तूने ये बता? हॉट डॉग है या बर्गर? यहाँ देख, यहाँ भी बहुत कुछ है, देख क्या खाना है। नहीं फंसता, ठीक है, ठीक है। हॉट डॉग तू तो पॉपकॉर्न नहीं खा रही है ना? हॉट डॉग खाना नहीं आपने कुछ, है ना, पेट भर जाएगा इससे आपका। और जो कोल्ड ड्रिंक है ना इतनी बड़ी, आप अकेले शेयर नहीं करोगे, ये ध्यान रखना आप, समझ गए ना? चलो खोल दी, बैठो। तो अभी बस मूवी देख, 2:30 बज गए हैं, अब जाके घर जाके वीडियो एडिट करके सोऊंगा। तो इस ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं, तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ में। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। किमा ब्लॉग एंड करो जल्दी, कैमरा कैमरा जाके करेंगे। ओके अनिशा कर रहे, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चला ये कैसा कमाल का सिलसिला, दिल मिला मेरा बना परिवार, बहुत सारा प्यार मिला।